ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੈਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਮਰੌਦ ਕਸਬੇ ਦੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰ ਸਾਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਸਕਣ। ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। K2 TV ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਅ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੈਬਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਵਾਦਾਰੀ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਮਾਹਿਨੀ ਕੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੀ। ਜੋ ਕਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਵੋ ਜਮਰੋਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਂ ਵਾਕਿਆ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਨਕੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੇ ਬਾਬਰਕਤ ਮਹੀਨੇ ਮੇਂ ਅਸ਼ਾਏ ਖੁਰਦੋਨੋਸ਼ ਕੀ ਕੀਮਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਸੇ ਵੀ ਕਮ ਰਖੇ। ਕਹਤੇ ਹੈ ਸਾਲ ਕੇ 12 ਮਹੀਨੋਂ ਮੇਂ ਏਕ ਮਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕੇ ਨਾਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤਾਕਿ ਹਮ ਵੀ ਇਨਕੀ ਖੁਸ਼ੀਓ ਮੇਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੀ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਏਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ये कबायली जिला खैबर से ताल्लुक रखने वाले सिख कम्युनिटी के नरिंजन सिंह और गुरमीत सिंह की दुकान है जो जमरोद के तारीखी बाजार के एन वस्त में वाके हैं। यहाँ पूरे साल अशियाई खुर्दनोश और रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों की कीमतें मार्केट रेट से कम रखी जाती हैं। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में एक कदम आगे बढ़कर नरिंजन सिंह और गुरमीत सिंह रोजादारों और खुसूसन गरीब आवाम की सहूलत और सवाब कमाने की खातिर कीमतें सरकारी रेट से भी कम रखते हैं। गुरमीत सिंह का कहना है कि मेरे वाले साहब का मंशूर था कि रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में मुसलमानों को खुसूसी रिलीफ दें, लिहाजा अपने अबाओ अजदाद के नक्शे कदम पर चलते हुए इस बाबरकत महीने में मुनाफे की बजाय नुकसान उठाते हैं, मगर मुसलमान भाइयों को दुकान से खुशी खुशी रुख्सत करते हैं ताकि हम भी इनकी खुशी में बराबर के शरीक हों। मेरे वाले साहब का मंशूर था कि रमजान मुबारक की बाबरकत महीने में हम अपने इस इलाके के लोगों को सब्सिडी दे, रिलीफ दे और फायदा दे। तो हमारे वाले साहब ने ये बेहतर समझा कि हम अपनी जिस मुनाफा है उससे छुटकारा हासिल करें और अपनी ही कीमत पर इन लोगों को सामान दे सके। गुलमीत सिंह का ये भी कहना है कि साल के 11 महीने हम अपने लिए खूब कमाते हैं, अगर एक महीना मुसलमान भाइयों के नाम किया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। 11 महीने हम अपने लिए कमाएं और एक महीना इन मुस्लिम भाइयों को जो रोजा रखते हैं और सुबह से भूखे प्यासे जब अफ्तारी के वक्त ये इनके मुँह से एक दुआ निकली जाए तो उसके बदले करोड़ों रुपए के बदले उसका कोई मोल नहीं। बेहतरीन क्वालिटी और कम कीमतों की वजह से साल के 12 महीने नरिंजन सिंह की दुकान पर आवाम का तांता बंधा रहता है। लोगों का कहना है कि जो काम मुसलमान दुकानदार ना कर सके वो सिख कम्युनिटी के दुकानदारों ने कर दिखाया, क्वालिटी भी अच्छी और कीमतें भी कम। यकीनन नरिंजन सिंह और गुरमीत सिंह का जज्बा मजहबी हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल है। काश हम मुसलमान बिरादरी भी नरिंजन सिंह की देखा देखी मजहबी त्योहारों पर आम इस्तेमाल की चीजों की कीमतें बढ़ाने की बजाय कम रखे ताकि आवाम को भी रिलीफ मैसर हो और सवाब भी कमाए। कैमरामैन फरहान दिन के साथ जाहिदुल्लाह खान वजीर K2 TV जमरोद जिला खैबर। उम्मीद है रिपोर्ट तुहानू पसंद आई होवेगी। अजिहियां होर दिलचस्प वीडियो देखने लई साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब कर लो, घंटी वाला बटन दबना ना भुलना। ताज़ा अपडेट्स लई फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर उत्ते साडे नाल जुड़ो। तुसी जोरदार टाइम्स दे खास रेडियो प्रोग्राम आईट्यून स्पॉटीफाई अते स्टिचर ते भी सुन सकते हो। सहयोग करन लई साडी वैबसाइट उत्ते जाओ, लिंक हेठा दिते गए हैं। जोरदार टाइम्स तुहाडे सब दे सहयोग नाल चल रहा है। धन्यवाद।